हम चले। अच्छा किया है इन्होंने। हाँ चलो, हम प्लान कैसे बताएंगे उसे? बुराक के साथ है वो, वैसे काफी खुश नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी तरफ आएगी। कोई बात नहीं, हम उसे प्लान बाद में बता देंगे। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है वो, क्या पता आज वो अपने दिल की बात बुराक को बता दे तो कितना अच्छा रहेगा ना। देखते हैं। ऐदा इससे पहले यहाँ गोश्त की स्मेल आ जाए, मैं सैलेड लेने जा रही हूँ। तुम अब तक वेजिटेरियन हो? दमीर को गुस्सा दिलाने के लिए। लगता है किसी खास से मिलवाने जा रहे हो। किसी से भी नहीं, तुम्हें बॉस से बचाने के लिए झूठ बोला। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपना ख्याल रखना आता है, तुम तो जानते हो। मुझे मालूम है, अंदाजा है मुझे। आजकल फाइल्स भी ले जाती हो घर, काम पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया हुआ है तुमने, साफ दिखाई दे रहा है। हाँ बहुत सी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं, और अब तो बोझ भी बढ़ गया है, इसलिए वीकेंड पे सारे काम करने पड़ेंगे। सही। तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, आजकल तो बहुत बिजी रहते हो, छुपा छुपा के काम करते हो। जब इंसान दोस्तों को फेवर देता है ना तो वो उसे सीरियस नहीं लेते, इसी तरह किसी की मदद कर रहा हूँ। हाँ कुछ दोस्त भरोसे के लायक होते हैं। ओह सॉरी सॉरी, गलती से गिर गया मुझसे। कोई बात नहीं। और सब ठीक है? हे चीयर्स। चीयर्स। बुराक। अरे तुम कैसे हो? मैं ठीक। और तुम यहाँ कैसे? यिल्दिरम साहब के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अब हम अक्सर मिलते रहे हैं। बेहतरीन, बहुत मुबारक हो। सिलीन। पहचानने में देर लग गई मुझे। मैं बहुत हैरान हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया, जहाँ तक मुझे याद है दो दफा मुलाकात हुई है हमारी। तुम्हारी शख्सियत ही ऐसी है कि तुम्हें कोई भुला नहीं सकता। हाँ, कुछ भी बोले जाओ बस। कॉलेज में भी ये आदमी ऐसा ही था, हर लड़की से इसी तरह बात किया करता था, इससे थोड़ा संभल कर रहना। अरे तुम तो खामोशी रहो, ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम हमेशा से जलते हो। सलीन, तलाल के बारे में तुम्हें एक बात मैं बता दूं, कैसे बड़ा चढ़ा कर बात करने की आदत है। मुझे फिर भी ये सब सुनना है। तो ठीक है, जब हम डांस करेंगे तब मैं आपको बताऊं। हाँ जरूर। कितनी लजीज खुशबू है, मैंने क्यों कहा कि मैं गोश्त नहीं खाती हूँ? तुमने बगैर कुछ सोचे कह दिया ना, कह देती कि तुम्हारे पेट में दर्द है। मुझे नहीं पता था कि ये नतीजा निकलेगा, मैं तो बस दमीर को गुस्सा दिला रही थी। काश मैं वो कटलेट्स ले पाती, वो दुश्मन बन गया है मेरी खुशियों का। फिक्र मत करो, हमारे पास अच्छा प्लान है, और जहाँ तक कटलेट्स की बात है वो मैं तुम्हारे लिए प्लेट में ले आऊंगी, चुपके से खा लेना। बिल्कुल भी नहीं, अब अपनी बात से नहीं मुकरूंगी मैं, अगर मुझे खाते हुए देख लिया ना तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मजबूर हूँ अब मैं। करना भी नहीं, वरना सच में बहुत बुरा होगा। आप हमेशा डरा क्यों देते हैं? मेरे दादा एक बड़े रेस्टोरेंट में शेफ थे, उनके हाथ में जादू था, और जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो कोई भी बारबेक्यू नहीं कर सकता। अरे मास्टर, देख लूंगा ये सब कुछ। हाँ ये बिल्कुल तैयार है, पेश करूँ मैं ये आपको? हाँ जबरदस्त, बारबेक्यू में बहुत ज्यादा माहिर हूँ मैं।